श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थी। तभी एक दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता है। एक बार नारद को इसी अहंकार घमंड के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शिव भगवान से पूरा कारण जानना चाहा। तब श्री शिव ने बतलाया, इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार घमंड हो गया था, इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु को एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां पर के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग नहीं छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयले कूपने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे शाप न दे दें। इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से वे शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हारने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और यह भी किसी को नहीं बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंचे गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार घमंड ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्वमोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्वमोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कि राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की ही माया थी।
विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ पर छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने भी इस घटना को देख लिया।